अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेशमास कलिनरी डिलाइट। आज का रेसिपी है ऑनियन पकोड़ा। देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए लगेगा ऑनियन, जिसे मैंने स्लाइस काट के रखा है पतला पतला, और उसमें डालना है मिर्ची पिस के, और ये है धनिया, धनिया भी पिस के इसको डालना है इसमें, और डालना है नमक, और लगेगा इसमें बेसन, ये बेसन का आटा है, ये इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये बन नहीं जाए अच्छे से। तब तक इसे बेसन जितना लगता है हमें उतना डाल के इसे मिक्स करते रहना है, जैसे कि हमें भजिया बनाने के लिए मिल तैयार ना हो जाए ये कांदा, उतने अपन को बेसन डाल के मिक्स करना है। देखिए ऐसे बन जाना चाहिए। उसके बाद हम इसे गरम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। देखो अभी फ्राई कर रहे हैं, गरम गरम तेल में इसे अच्छे से फ्राई करना है, डीप फ्राई। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है ये कांदा भजिया, कोई मेहनत नहीं लगता है, फटफट से बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा फ्राई होने में टाइम होएगा। देखो बढ़िया सा मेरा कांदा भजिया बनके तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, रमज़ान के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बनता है कांदा भजिया। देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, टेस्टी है और क्रिस्पी भी है।